खबर प्रयागराज से है, जहां 257 विधानसभा प्रतापपुर में कैप्टन करण सिंह को अपना दल से टिकट न मिलने पर समर्थक निराश दिखे, वहीं आंखों में आंसू छलके। आपको बता दें, प्रयागराज 257 विधानसभा प्रतापपुर में अपना दल से कैप्टन करण सिंह को टिकट न मिलने पर समर्थकों में मायूसी छाई हुई है। वहीं हजारों की संख्या में समर्थकों ने कैप्टन करण सिंह के निजी आवास पर पहुंचकर कैप्टन करण सिंह जिंदाबाद और अनुप्रिया पटेल मुर्दाबाद का नारा लगाया है। वहीं पर समर्थकों ने कैप्टन करण सिंह को साहस देते हुए कहा कि हम कैप्टन करण सिंह को जानते हैं, ना किसी पार्टी को। अगर आप निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो प्रतापपुर की जनता आपको लखनऊ विधानसभा में भेजने का काम करेगी। वहीं पर कैप्टन करण सिंह ने कहा कि जो जनता का निर्णय होगा वह उसी रास्ते पर चलेंगे। पार्टी ने मेरे साथ जो धोखा किया है, प्रतापपुर की जनता जागरूक है, वह अपने सुख दुख में काम आने वाले नेता को जानती है। प्रतापपुर का दुर्भाग्य है कि जो इतने सालों से पार्टी के लिए मेहनत करता रहा, उन्हें छोड़कर दूसरे विधानसभा से लाकर प्रत्याशी को उतारा है। प्रतापपुर की जनता इसका जवाब बखूबी देगी। प्रतापपुर की जो लड़ाई थी वो बिल्कुल साफ था, जनता मन बना चुकी थी कि अपना दल और भारतीय जनता पार्टी से कोई क्षेत्रीय प्रत्याशी की डिमांड थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल मेरी डिमांड थी, जितने भी आवेदक साथी थे जिन्होंने तैयारी करी थी पिछले एक वर्ष, दो वर्ष या चार वर्षों में, प्रतापपुर की जनता यही मांग रही थी कि इस बार हमें कोई भूल नहीं करनी है, क्षेत्र से जो भी आवेदक साथी आ जाए उसको आप टिकट देकर यहाँ से। तो ये प्रतापपुर का अपमान है कि जनता का अपमान है, आपका अपमान है? नहीं, ये मेरा व्यक्तिगत अपमान नहीं है। देखिए, अब पार्टी की सोच है, पार्टी की जो विचारधारा है, अब हम उसमें क्या कर सकते हैं। तो आगे की रणनीति क्या होगी आपकी? आगे की रणनीति, अब जितने मेरे समर्थक हैं, जितने मेरे गार्जियन हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं जिनका आशीर्वाद और स्नेह मेरे साथ निरंतर 2012 से बना है, क्योंकि देखिए अब ये उनके मान और प्रतिष्ठा की लड़ाई है, क्योंकि जो प्रत्याशी उन्होंने भेजा है शायद उनको कोई एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। तो जैसे हमारे गार्जियन, बड़े बुजुर्ग और सभी सम्मानित लोग आदेश करेंगे, हजारों की संख्या में समर्थक आप घर पर आए हैं और आपको चुनाव लड़ने का सलाह दे रहे हैं जी, इसके बारे में क्या कहना है? इसका फैसला मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगा शाम तक। आपका टिकट ना होने का कारण कोई? मैं इसमें कारण, देखिए हम लोग तो एग्जाम देते हैं, अब कौन पास होगा कौन फेल होगा इसका निर्णय तो पार्टी करेगी, पर ऐसा नहीं है कि प्रतापपुर से कोई अच्छे आवेदक नहीं थे, चाहे भारतीय जनता पार्टी कह लीजिए चाहे अपना दल एस कह लीजिए, इतने आवेदक प्रतापपुर विधानसभा से ही थे जो इसी क्षेत्र से बिलोंग करते थे। आपने एक बात कही, आपने को कह देना चाहिए करण साहब, आपने एक बात कहा कि छत्री होना गुनाह है क्या? जी नहीं, मुझे तो यही रीजन बताया गया कि आप छत्री हैं और छत्री को यहाँ से लड़ाया नहीं जा सकता। अब जो भी पार्टी का समीकरण रहा हो, यह चीज पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। मैं प्रतापपुर की सम्मानित जनता को यही संदेश देना चाहूँगा कि थोड़ा सा धैर्य बना के रखें, संयम बना के रखें। उनका जो निर्णय होगा, उनकी जो सोच होगी, वो मेरे लिए सर्वोपरि होगी। अगर जनता मुझे जो आगे करने की अपील करेगी, मैं बिल्कुल जनता के साथ खड़े रहूँगा, आज तक खड़ा रहा हूँ, आगे भी खड़ा रहूँगा। कहीं ना कहीं छत्री समाज का अपमान किया गया है? नहीं, ये देखिए किसी जातिगत या किसी समाज विशेष की बात नहीं है। अब वो पार्टी का अपना सिस्टम होता है कि कौन से जाति के प्रत्याशी तो को क्या से लड़ाना चाहिए, उस सिस्टम में आपको फिट नहीं बैठा गया? अब देखिए, यहाँ विशेष टिप्पणी मैं नहीं करूँगा, ये तो पार्टी के जो पार्लियामेंट में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि पूंजीपतियों को टिकट दिया गया। अब इस पर मैं कोई टीका टिप्पणी करूंगा नहीं, अब जो है जनता सब जान रही है, जनता सब समझ रही है, इसका जवाब हो सकता है जनता ही पार्टी को दे दे। मैं व्यक्तिगत इस पर जी, आखिरी सवाल, क्या आप किसी पार्टी से आके लड़ेंगे या निर्दलीय लड़ेंगे? अब जनता की जैसी डिमांड, जनता की जनता आपका यही कहना है कि आप इलेक्शन लड़िए और आपको विधानसभा चंदन लगा के भेजा जाएगा। चलिए, वो जनता का फैसला है, मैं भी आज जनता का थोड़ा मूड भाप लूँ, जैसे मैंने बताया मेरे बड़े बुजुर्ग गार्जियन साथी हैं, मैं सबसे एक बार संपर्क साध लूँ, उसके बाद मैं आप सबके बीच। इवन इंडिया न्यूज के लिए प्रयागराज से कमलेश गुप्ता की रिपोर्ट।